सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको एवोगाड्रो लॉ बताया था, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, और गिल सेक लॉ बताया था। तो हमने उसके बाद में एक नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि अगर एट कंडीशन एसटीपी, एसटीपी कंडीशन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें आपने ये गौर किया होगा कि प्रेशर मेरा 180 है और टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, उस केस में वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो यहां तक आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास क्या होते हैं, दो तीन फॉर्मूले बनते हैं इसके ऊपर। क्या बनते हैं? दो तीन मोल्स निकालने के लिए। तो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, गिवन पार्टिकल। याद होगा इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए हुए, तो उसको आपको किससे डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम मोल्स भी निकाल सकते हैं, या हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, तो आप डिवाइड कर दो किससे, 22.4 से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आंसर निकाल सकते हैं। है, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन है आपका ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस, इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज, Which occupies 11.2 ml या 1112 ml at STP। Suppose के रिपीट आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप अगेन फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला, जब दो वॉल्यूम दिया हुआ था आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है, 1112, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 10^-3 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 और ये 2 टाइम चला जाएगा और ये 5, तो ये हो जाएगा 5 × 10^-3। तो मैं बोलूंगा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि जब आप मोल्स पता है तो आप मॉलिक्यूल निकालना बहुत आसान बात होता है। तो मॉलिक्यूल जो हो जाएगा मेरा 5 × 10^-3 × 6 × 10^23, यू विल गेट योर आंसर 30 × 10^20, तो दिस विल योर आंसर। ओके, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन, एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 30 × 10^20, तो दैट्स नथिंग बट 6 × 10^21, तो दिस इज योर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें देखें, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, from 160 gram of SO2, 1.2 × 10^24 molecule of SO2 are removed, of SO2 are removed, calculate volume in liter at STP, calculate volume in liter at STP of remaining SO2 gas, तो अगर मुझे इसका निकालना होगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा, समझो बात को, ठीक है। आप तो एक काम करो, जो देखो जनरली क्या बच्चा करता है, इसका मोल्स निकालेगा, इसका मॉलिक्यूल निकालेगा, फिर इस मॉलिक्यूल से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो वो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कर सकते हो, पहले ओरिजिनल मोल्स निकालो, ओरिजिनल मोल्स कितने, 160 डिवाइडेड बाय SO2 का मेरा कितना हो जाएगा, 32 64,
टेन बाय फोर मतलब फाइव बाय टू, ठीक है। एन रिमूव्ड, एन आर मतलब मोल्स जो रिमूव्ड हुए, तो आपको जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया होता है, जैसे डिवाइड कर दीजिए 1.2 10 का पावर 24 आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और अगर आप इसको 6 into 10 का पावर 23 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट। तो यहां से आपको क्या, यहां से मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज किया, जब पार्टिकल्स के फॉर्म में दिया रहता है तो आपको पहले से डिवाइड करना रहता है, तो दिस 10 के बट 10 दिस और दिस कैंसिल, तो दैट्स नथिंग बट 2। आपके पास टोटल मोल्स है 2.5, उसमें रिमूव आपने 2 कर दिए, तो व्हाट इज द मोल्स रिमेनिंग। अगर मैं बात करूं रिमेनिंग की, तो रिमेनिंग मतलब हो जाएगा 2.5 माइनस 2, दैट्स नथिंग बट 0.5। लेकिन उसने क्या बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स दिया हुआ 0.5 और उसको 22.4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इन लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, ओके। क्योंकि एक एक मोल का जब वॉल्यूम होता है 22.4, तो वो 0.5 का मतलब जितना भी, तो x x का कितना होगा, तो x into 22.4, तो जनरल फॉर्मूला भी हो जाता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है बेटा। नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है, आपके और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर चलो क्वेश्चन ये लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, मैं इसलिए बोलूंगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कवर हो जाएंगे, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। क्यों मैं आपको इतने क्वेश्चंस कराता हूं बेटा, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें ओनली इन मोर कॉन्सेप्ट यू नीड प्रैक्टिस, और आप जितने प्रैक्टिस करोगे मोर कॉन्सेप्ट आपको उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि रिसर्च कर देना, हमें रिसर्च नहीं करना, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। हालांकि कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और नहीं तो आपको इनडायरेक्टली वो यूज करवा सकता है मोल कॉन्सेप्ट का, तो आपको यहाँ तक बातें चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं 672 ml ऑफ ओजोनाइज ऑक्सीजन, ओजोनाइज ऑक्सीजन एट ओजोनाइड ऑक्सीजन एट एनटीपी वर Found to weight 1 gram, calculate volume of ozone in ओजोनाइड ऑक्सीजन। देखो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, आप हमेशा लेक्चर पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट हर क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन छोटा है तो उसको 2 मिनट दीजिए, जो क्वेश्चन बड़ा है उसको 4 से 5 मिनट दीजिए, लेकिन प्लीज डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखिए, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अदरवाइज ये तो बस वही बात हुई, मैं बताते जा रहा हूँ आप छापते जा रहे हो, तो इससे आपका खुद का पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन देख रहे हैं, सिर्फ मेरे हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जब मैं क्वेश्चन उतारता हूँ आप तुरंत वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन उतारिए पूरा, और उसके बाद से आप सॉल्यूशन देखना चालू करिए, ठीक है। अब समझो बात को, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, बोल क्या रहा है कि बोल क्या रहा है 672 ml ऑफ ओजोनाइज ऑक्सीजन का वेट कितना है, 1 ग्राम है। कहने का मतलब है 672 ml ऑफ ओजोनाइज ऑक्सीजन का वेट कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। अब समझो बात को थोड़ा ध्यान से, और ठीक है, बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको अभी मैंने तीसरा फॉर्मूला दिया, जब वॉल्यूम का टर्म दिया हुआ, तो 672 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 22.4 को, और इसको 10^-3, तो मेरे हिसाब से ये जो आता है 3 × 10^-3 में चला जाएगा, ये 3 × 10^-3, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब समझिए बात को, क्योंकि ये एक सिंगल गैस नहीं है बेटा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट आता है तो एक कॉन्सेप्ट कॉमन आता है AMM, ये कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा ही आएगा। तो मुझे पता है टोटल मास कितना दिया हुआ, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मास है 1 ग्राम और टोटल मोल्स आपके पास कितना है 3 × 10^-2, इसका मतलब 100
3/3 आपके पास क्या हो चुका है, एवरेज मोलर मास आ चुका है। ध्यान से समझना बेटा, एवरेज मोलर मास आपके पास कितना आया, 3 × 10⁻³। और अगर मान लो जैसे सपोज करो ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब ही आपको पता है O3 प्लस O2 का मिक्सचर, तो अगर मान लो O3 50% है तो ये 672 का आधा वॉल्यूम उसके पास जाएगा। तो अगर मुझे एवरेज मोलर मास पता है और परसेंटेज पता है तो मैं निकाल सकता हूँ परसेंटेज, राइट? आपको मैंने एक टेक्निक दी थी याद है, तो परसेंटेज ऑफ O3 कितना हो जाए, एवरेज ऊपर तो एवरेज मोलर मास को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, ऑक्सीजन से, और डिवाइडेड बाय 48 − 32 × 100, तो इससे मुझे परसेंटेज आ जाएगा। तो ये परसेंटेज जो आएगा मेरा कितना होगा, 4/3 ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16 × 100, तो ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए 4 times, और ये 2400 × 12, ये परसेंटेज आएगा। देन व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा 100/12 × 672। तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर आएगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ ओजोन आपका आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली होता जाएगा 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72। तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये परसेंटेज है, तो हाँ सॉरी परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर दोगे नॉर्मल वैल्यू, तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन आपका 56 ml आंसर आएगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी मेरे हिसाब से, तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए इनमें, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो यहाँ पे 100/12 परसेंटेज था, तो परसेंटेज को फिर से नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता, 100 कैंसिल, 12 को से डिवाइड कर दो, 56 ml आएगा, तो दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो तीसरा फॉर्मूले का यूज करवाया है यहाँ पे, एवरेज मोलर मास का यूज कराया और वॉल्यूम का फिर से यूज कराया, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर थ्योरेटिकल पार्ट है लॉ ऑफ केमिकल, ये सब देखो बेटा 11th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हालांकि इनका जेईई नीट से कोई रिलेशन नहीं होता, ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, बट ठीक है पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लेबेजियर डाल्टन एंड अदर, लेबेजियर डाल्टन अदर साइंटिस्ट फॉर्मुलेट सर्टेन लॉ, साइंटिस्ट फॉर्मुलेट सर्टेन लॉ कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंसर्निंग द कंपोजिशन of matter, concerning the composition of matter and chemical reaction and chemical reaction and this law are known as law of chemical था। डाल्टन साइंटिस्ट ने मिलकर
मतलब कुछ सर्टेन लॉस बनाए, ठीक है, वो सर्टेन लॉस कैसे बने, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन करके फिर उन्होंने को अपने एक लॉ दिया, और उन टोटल लॉस को हम क्या बोलते हैं, मतलब सारे लॉ जब आप कंबाइन करते हो तो उन सारे कंबाइंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? तो इसके अंदर हमारा जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था? ये लैवोजियर ने दिया था, ये लैवोजियर साइंटिस्ट था, उसने दिया था ये लॉ, ठीक है। अब ये लोग कहता क्या है वो भी सुन लो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल से भाषा में अगर समझो, उसका ये मानना था मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अगर आपने, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल तौर की बात करता हूँ कि आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर को आपने फ्रीज किया तो आइस बन गया, क्या आपको आइस का वेट, 100 ml, मतलब जो आइस का जो अभी वाटर का जो वेट था बिफोर आइस बनने से पहले 100 ग्राम था, तो आइस का भी वेट कितना होगा? 100 ग्राम होगा बेटा, याद रखना 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो पहले भले आप बोल सकते हो वेट उसका सेम है, बट भले आप बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, सब डेंसिटी चेंज हो गई है, लेकिन वेट सेम रहेगा भले मैटर चेंज कर जाए। तो ओवरऑल मतलब इसका यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा एक बात और याद जरूर रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास जो होता है वो कभी भी एक रिएक्शन पे वैलिड नहीं होता, वो रिएक्शन कौन सी होगी ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में आप, या हो सके तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दुनिया में सिर्फ एक ऐसे रिएक्शन है जिस पर वैलिड नहीं करता। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता तो वो रिएक्शन भी गलत होती है बेटा, लेकिन अगर अगर ऐसा ऑब्वियस है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी होंगे, तो एक ऐसे ऐसी रिएक्शंस हैं, इस एक टाइप की रिएक्शंस है जिन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता, बट स्टिल वो रिएक्शन सही भी होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा मुझे ढूंढ के, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैटर मैं लिख देता हूं यहां पे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर मैटर आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज टोटल मास इन एनी, दैट इज मास इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व। आई बात समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा मतलब ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। तो मास जो बिफोर रिएक्शन रहेगा वही आफ्टर रिएक्शन भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे ट्वाइस ऑफ H2+O2 क्या दे रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ H2O, ये आपको मिला ट्वाइस ऑफ H2O। तो बात समझ लो बेटे ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं मास बिफोर रिएक्शन, आपके पास टोटल मास कितना है, व्हाट इज द टोटल मास, तो टोटल मास 2 इनटू 2 H2 इनटू H2 का मोलर मास कितना 2 प्लस O2 का कितना 32, दैट इज नथिंग बट 36 ग्राम। ये मास बिफोर द रिएक्शन है, मास आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, मास आफ्टर रिएक्शन आपका क्या होगा, मास आफ्टर रिएक्शन होगा 2 इनटू वाटर का 18, तो क्या होगा 36 ग्राम। तो मास आप देख रहे होगे कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन दोनों में क्या है, बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डिफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डिफिनाइट प्रोपोर्शन ये दिया था, ये हमारा साइंटिस्ट का नाम था प्राउस्ट, प्राउस्ट ने ये दिया था, ये जो लॉ था वो किसके द्वारा था, प्राउस्ट के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, अब इसका सिंपल से भाषा में ऐसे समझो, ठीक है, जनरल आम भाषा में अगर इस लॉ को समझाओ, पानी चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो टैप वाटर हो, नल का हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे नदी का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे एक्वा गार्ड का हो, कोई भी पानी में उसके उसके एटम का रेशियो क्या होता है, हमेशा 2:1, मतलब जो उसका रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। तो अब ये पानी कहीं से भी जाए, दुनिया में कहीं पे भी ये पानी जाओ, आपको इसका जो रेशियो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, 2:1। तो वही ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट, ऑफ इट्स एलिमेंट, ऑफ इट्स एलिमेंट बाय वेट, बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, ऑफ देयर of their source or method of preparation, or method of preparation. अब पानी को चाहे कैसे भी बनाओ, कोई सा भी सोर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमें बात करें, एग्जाम्पल में क्या, इन वाटर H2O2, इन वाटर H2NO2, in water H2 and O2 combined in 2:1 molar ratio, 2:1 molar ratio, 2:1 molar ratio, and this ratio remain constant, and this ratio remain constant whether water is from sea, tap or any other source, or any other source. तो यहाँ तक पहले बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको भी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब इस पर हम एक छोटे से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टन मेटल बर्नड इन ऑक्सीजन, ऑफ ए सर्टन मेटल बर्नड इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड ऑफ वेट 3 ग्राम, 3 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली 1.5 ग्राम
सेम मेटल बर्न इन स्टीम बर्न इन स्टीम गिविंग 2.5 ग्राम गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड शो दैट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट शो दैट आपको क्या बताना है इसमें दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तो एग्जैक्टली कह क्या है समझे बात को जब आप देखो आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं समझते होंगे कि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है किताब में बट नो नीड अगर आपको रिएक्शन लिखनी आती है तो बहुत आसान है अब आप बोलोगे इसमें रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो डोंट वरी बेटा जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में हम ये सब सिखाते हैं कि आपके रिएक्शन कैसे लिखा जाता है ठीक है तो अगर मैं बात करूं मेटल और ऑक्सीजन को जो हमने रिएक्ट कराया है तो आपको एक मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो M2ON मैंने सपोज करो एक मेटल ऑक्साइड लिखा जिसको N/2 के फॉर्म में लिख दिया अब ये मेरा बैलेंस हो चुका है एक बात समझना M/2ON ठीक है ये बैलेंस हो चुका है यहाँ पे 2M आ गया ठीक है पहले रिएक्शन में क्या बोल रहा है 1.8 ग्राम मेटल था मेरा ठीक है जो रिएक्ट करके मुझे कितना दे रहा है 3 ग्राम मुझे रिएक्ट करके कितना दे रहा है 3 ग्राम बात समझना अब यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाता हूँ तो यहाँ पे अकॉर्डिंग वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा देखो 3 माइनस और मेटल मेरे पास ऑलरेडी कितना 1.8 है तो 1.8 तो दैट्स नथिंग बट 1.2 ग्राम ये मेरे पास 1.2 ग्राम है अगर मैं और मुझे प्रूफ क्या करना कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूफ करना है तो इसका वेट का रेशियो ले लो इस कंपाउंड में एम और ओ का वेट का रेशियो कितना हो जाएगा भैया टोटल आपके पास मेटल का था 1.8 और ये कितना है 1.2 तो दैट्स नथिंग बट आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3/1.5 रेशियो आया ठीक है अब सिमिलरली बोलोगे सर अगर मेटल को स्टीम मतलब वाटर हॉट स्टीम मतलब हॉट वाटर को हम क्या बोलते हैं स्टीम बोलते हैं अगर आप इसके साथ देख सके अभी भी कंपाउंड M2ON बनेगा M2 अब आप ON क्यों बोल रहे हो मैं बेटा N यहां पे क्यों बोल रहा हूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो समझो मुझे बेटा ये मेटल पता नहीं कि बायवैलेंट है ट्राईवैलेंट है या मोनोवैलेंट है इसलिए मैंने N रखा है यहां पे बात समझ में आ रही है और ये सब चीजें हमें रेडॉक्स में आपको सिखाऊंगा बट फिलहाल के लिए समझो कि हम कैसे लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि ये बिना उसके ज्यादा आसान होता है ठीक है ये रिएक्शन मैं इसलिए करा देता हूँ ताकि बच्चा को कोई कंफ्यूजन ना हो H2 निकलेगा N यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे N हो गया तो मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया यहाँ पे 2 अगेन जब 1.5 ग्राम था तो उसने मेटल ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस किया 2.5 तो अगेन यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5 अगर आप उसे देखो 1 ग्राम आपको कितना आ रहा है ये आ रहा है तो यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1 तो 1.5 तो देखो चाहे सोर्स मेरा कोई भी हो चाहे मैं ऑक्सीजन से बना रहा हूँ या वाटर से बना रहा हूँ मेटल ऑक्साइड रेशियो मेरा हमेशा कितना आ रहा है 1.5 ग्राम ही आ रहा है तो इसका मतलब दिस ये फॉलो करता है किसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को ठीक है बेटा अब नाउ अगर मैं बात करूँ तो अब तीसरे लॉ क्या अगर हम चलते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है तो थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तीसरा है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो पहले मैं लिख देता हूं ये लॉ कहता है कि फिर आपको मैं अच्छे से समझाता हूं ठीक है व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट टू फॉर्म टू और मोर
different compound or more different compound than mass of one element which combines then mass of one element which combines with a constant mass of other with a constant mass of other with a constant mass of other element will bear a simple whole ratio will bear a simple whole ratio to 1 ओके जैसे समझो बात को आखिर कहना क्या चाहता है व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड देन मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद अ कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बीयर अ सिंपल होल रेशियो टू वन अनदर कहने का मतलब सिंपल सा है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपको याद होगा कार्बन और ऑक्सीजन के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते जो हमारे लिए वेल नोन कंपाउंड है वो होता है CO एंड CO2 बात समझना एक कार्बन को मैंने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो एक बार मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे समझाऊं मैं इसको जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन ठीक है तो ये एक बना रहा है CO दूसरा बना रहा है CO2 तो इसमें आपने यहां तो 12 ग्राम रखा यहां 16 ग्राम रखा अगेन आपने एक एलिमेंट का तो देखो वेट क्या कर दिया फिक्स कर दिया दूसरे एलिमेंट का आपने क्या कर दिया चेंज कर दिया तो इन दोनों का जो रेशियो होगा 16:32 ये हमेशा सिंपल होल रेशियो रहता है क्या रहता है हमेशा ये सिंपल होल रेशियो मतलब इन दोनों का जो आप जिस वेट को चेंज करोगे वो वेट का रेशियो हमेशा किस में रहेगा सिंपल होल रेशियो में रहेगा फॉर एग्जांपल की बात करूं सल्फर एंड ऑक्सीजन की बात करूं तो एक SO2 बनाता है और एक क्या बनाता है SO3 बनाता है तो अगेन यहाँ पे तो 32 क्या हो गया फिक्स है मेरा दोनों का वेट लेकिन यहाँ पे 32 और यहाँ पे 48 है तो इन 32:48 का रेशियो कितना होता है मेरा 2:3 होता है ठीक है अगेन मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ये क्या बनाता है NO बनाता है N2O बनाता है N2O3 बनाता है N2O5 बनाता है N2O4 बनाता है ठीक है ये बनाता है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का तो 28 सब में फिक्स है तो देख रहे हो ऑक्सीजन 1 N2O2 1 3 4 5 आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन का रेशियो किस में होगा 1 3 4 5 में होगा तो यहां तक चीज आपको प्यारे बच्चों समझ में आ रहे होंगे ठीक है तो ये था हमारा लॉ टोटल लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन तो यहां तक आया होगा मैंने सारी चीज आपको समझा दी होंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी ठीक है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको पता ही होगा डेंसिटी का मतलब द मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम तो वही मेरी डेंसिटी होती है इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली है तो ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं ठीक है तो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी इज नोन एज डेंसिटी ठीक है तो जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं MKS यूनिट में इसकी क्या होती है kg पर मीटर क्यूब और CGS में इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इसको हम क्या बोल सकते हैं ग्राम पर ml भी बोल सकते हैं तो दिस इज बेसिकली डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है बट आप ही बोलो सर ये सब चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो डोंट वरी अभी आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसमें देखो बेटा डेंसिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है
डेंसिटी जो होगा वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी, क्या होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में भैया बहुत फर्क है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में कि आखिर एब्सोल्यूट डेंसिटी होता क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी भी लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे एडी लिखेंगे। आखिर इसमें होता क्या है भैया, इट इज द सेम, क्या होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, इट इज सेम फॉर सॉलिड लिक्विड और गैस। अगर कोई सब्सटेंस की डेंसिटी है तो वही डेंसिटी उसके सॉलिड फॉर्म में भी वही होगी, लिक्विड फॉर्म में भी वही डेंसिटी होगी, गैस फॉर्म में भी वही डेंसिटी होगी। तो इसका जनरली फॉर्मूला मीनिंग क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसकी क्या होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरली वही इसकी यूनिट क्या होती है, केजीएम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये मीटर पर क्यूब, ठीक है। तो ये तो हमारा था एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो नॉर्मल जो मैंने आपको ऊपर बताया था। कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी, यहां से चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। अब ये डेंसिटी वो डेंसिटी नहीं है जो आप सोच रहे हो, रिलेटिव का मतलब ही आप क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब है रिलेट करना, डेंसिटी एक डेंसिटी का दूसरे डेंसिटी से क्या करो रिलेट कर रहे हो। तो सेकंड डेंसिटी आती है मेरी रिलेटिव डेंसिटी, क्या आ रही है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी लिखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भैया, रिलेटिव डेंसिटी समझो, रिलेटिव डेंसिटी इसमें दो अलग अलग होता है आपको, फॉर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग निकालना रहता है और गैस के लिए क्या निकालना रहता है अलग निकालना रहता है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, फॉर सॉलिड लिक्विड, फॉर सॉलिड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा एक बात और, ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है डेंसिटी, अच्छा पहले समझो अच्छा एक मिनट थोड़ा, ये माइनस अभी रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझ ही लिया, यहीं पे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी डेंसिटी, इट इज द रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन को अगर आपको किसी से रिलेट करना है या किसी से कंपेयर करना है तो आप उसके अगर डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस से डेंसिटी डिवाइड कर दो तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बस क्या होता है अलग अलग चीजें हमें निकालनी रहती है। तो पहला है हमारा, पहला है फॉर रिलेटिव डेंसिटी फॉर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो फॉर सॉलिड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी, फॉर सॉलिड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटेड टू, इज टेकन रिलेटेड टू, टेकन रिलेटेड टू वाटर अनलेस otherwise mention। समझना बात को, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अगर डेंसिटी कोई किसी सब्सटेंस का आपको दिया हुआ है और यहां पे डेंसिटी अगर मैंने वाटर के लिए ले ली तो उसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए। आई बात समझ है सबको, क्या बोलते हैं उसको, और इसी को हम क्या टर्मिनोलॉजी का नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझना, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, सब्सटेंस टू वाटर नहीं है, वाटर को छोड़कर कोई भी है तो वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड कहलाता है नॉर्मली। लेकिन अगर यही रिलेटिव डेंसिटीज, अगर मैंने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि मेरा वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में बोलू, जैसे मान लो किसी सब्सटेंस का डेंसिटी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मैं बोलू व्हाट इज द स्पेसिफिक डेंसिटी, क्या होगा सेम होगा
सेम होगा बट नो यूनिट, देखो ध्यान से, क्योंकि इसका भी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्या हो चुका है यहाँ पे, कैंसिल आउट हो चुका है। आफ्टर कैंसलिंग आपको ये आइडिया लगे क्योंकि इट्स अ नो यूनिट, इसके यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी पहचानने का तरीका ये होता है कि जिस डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, मतलब वो नो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर किसी के डेंसिटी है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, 4 ओनली। यहां तक चीज आपको समझ में आई, यहां पे आप थोड़ा कांसेप्ट चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सॉलिड और लिक्विड के लिए। सेकंड है रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस, रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस, इसका स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसको हम वेपर डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी वीडी, ठीक है। एंड इट इज द, और होता क्या है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, टू द डेंसिटी ऑफ अनदर, कुछ नहीं करना, एक गैस की डेंसिटी को दूसरे गैस की डेंसिटी से क्या करना, डिवाइड कर देना। अब अपने मन से कोई गैस नहीं लेना, अरे आप पॉइंट इज दैट कि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो। इसका फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं मैं। जब आप देखते होगे या जनरल स्टोर में जाते होगे तो आटा चीनी को कैसे नापता, तो वो आयरन का एक वो बट्टा लेता है जिसका 1 किलो 2 किलो वेट होता है, और इसके कंपैरिजन हम क्या करते हैं, आटा चावल डालते, तो वेट मेजरमेंट करता है। जो मीट वेज, जो आटे का जो हमने वेट मेजरमेंट किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, वो आयरन के वेट के रिस्पेक्ट में किया। वैसे ही होता है, चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो या वेपर डेंसिटी, अगर किसी गैस की डेंसिटी को आप दूसरे गैस की डेंसिटी से रिलेट करो तो आप उसको, मतलब उसको डिवाइड करोगे तो वही आपके लिए क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा गैस का, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ रेशियो, सिंपली वी कैन से दैट। नाउ अगर हम बात करूं ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस वन एट एनी प्रेशर टेम्परेचर, दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस टू एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और जनरली 99% केस में ये गैस हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, गैस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, अब देखो प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो मास बटा मास कर सकता हूं मैं। तो आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये याद रखना है, मोलर मास बाय टू। अगर आपको किसी का गैस का वेपर मोलर मास पता है तो आप उसको वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, सिंगल गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, सिंगल गैस के लिए वैलिड है। और आप ऐसा भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा गैसेस है, तो आपको याद होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टू, दिस इज एप्लीकेबल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मिक्सचर ऑफ गैस के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई, चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं हम इनके ऊपर। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, इतना ही क्वेश्चन है। अब कुछ ना दिया जाए, देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने वेपर डेंसिटी दिया और गैस कौन सा दिया है, SO2 दिया है, इसका मतलब आपको गैस कुछ नहीं दिया, तो आप मतलब फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, हाइड्रोजन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक ना दिया जाए तब तक अपने आप को क्या मानना है, हाइड्रोजन मानना। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरा, डेंसिटी SO2 का
weight 64 divided by, so that's nothing but 32. यहाँ तक समझ में आया सबको? Next question अगर हम करें, ठीक है, calculate vapor density. देखो, यहाँ पे अब थोड़ा change हो जाएगा. Next question में calculate vapor density of SO2 with respect to CH4. मतलब CH4 के respect में उसकी vapor density बतानी है. तो देखो, pressure temperature same है, तो volume से तो मुझे कोई मतलब भी नहीं है. आपको मैंने याद होगा उस दिन भी एक फॉर्मूला बताया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो दिस कैंसिल, वॉल्यूम भी कैंसिल, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो मास तो उन्होंने सेम ही रखा, तो याद रखना तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. तो डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम, तो मास अपॉन मास मेरा ये फॉर्मूला बचेगा. तो वेपर डेंसिटी मेरे इस रिस्पेक्ट में क्या हुआ, वेपर डेंसिटी मेरा वो 64 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि बड़ी था मास ऑफ CH4, तो दैट्स नथिंग बट वो. तो ये मेरा वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस हो जाएगा, ठीक है. और क्वेश्चन को और मैं अच्छा लेवल पे लेके जाऊं तो कर समझो ऐसे, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल ऑफ O2 and 5 mole of N2 with respect to helium gas, प्यारे बच्चों समझो बात को. यहाँ पे देखो मैंने एक गैस नहीं दी, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल गैसेस दिए हुए. तो जब मल्टीपल गैसेस आते हो तो ऑब्वियस बात है मोलर मास आपको कौन सा लेना पड़ेगा, एवरेज मोलर मास. एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स मेरे पास कितने, 5 और 5 प्लस 10, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 5 × 32, ठीक है, प्लस और 5 × 28. तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ये 160, 140, 300 by 10, so that's nothing but 30. आपको क्या आ गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया. Then what is the vapor density? Vapor density हो जाएगा 30 by 4, क्योंकि हीलियम का मोलर मास 4 है, तो that's nothing but ये कितना हो जाएगा 7.5. तो यहाँ तक चीज आपको क्लियर आ चुकी होंगी बेटा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है. सिंपल सा एक क्विक रिवीजन करते हैं. रिलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी कब होगा, किसी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, जो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाते हैं. हालांकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, चाहे वो रिलेटेड डेंसिटी हो चाहे वो वेपर डेंसिटी हो, ठीक है. अगर डेंसिटी ऑफ गैस की बात करो तो डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी की बात करो तो कुछ नहीं, वेपर डेंसिटी सिर्फ एप्लीकेबल ही किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है. तो याद रखिएगा, तो डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2, ये वेपर डेंसिटी होता है. और जनरली जो मेरे नीचे रेशियो में होता है, अगर कोई गैस अवेलेबल नहीं है या जो नहीं दिया होता, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कोई गैस नहीं दिया था, तो आपने किस कौन सा गैस लिया, हाइड्रोजन लिया, तो आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया उसके मास को, तो ये वेपर डेंसिटी आ गया. वही अगर आपको CH4 दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उस गैस के मास को डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, बोल रहा 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस occupies 5.6 liter at STP. Calculate vapor density of gas. देखो मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, याद करो पहला फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट मेरा 16 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा मुझे नहीं पता, तो मोलर मास m है. लेकिन आपको मैंने एक और फॉर्मूला दिया था बेटा, वो एक और फॉर्मूला क्या था, आप क्या कर सकते हो, गिवन वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम, कितना 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, दिस सो दिस कैंसिल 1/4, तो मोलर मास कितना आ गया 64, ठीक है. तो उसने क्या पूछा, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 10 / 32.
चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का हम लास्ट टॉपिक हम करते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा मॉल कॉन्सेप्ट का मैं लेवल बढ़ाऊंगा, तो प्यारे बच्चों आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो आपको डीपीपी दी जाती है उसको उसी दिन खत्म करने की कोशिश करें, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि आपकी क्लास से फ्रिक्वेंसी मैच होते रहे और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन देयर गिवन कंपाउंड इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एंड वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एंड वेट परसेंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इन द कंपाउंड इज is known known its percent composition is known its percent composition it's known as its percent composition and for that molar mass and for that देखो मुझे लिखना इससे जरूरी था, आपको पता होना चाहिए, रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। कंपाउंड किससे फॉर्म होता है? एलिमेंट से। और वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज नोन एज इट्स परसेंट कंपोजिशन। कहने का मतलब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और इसका वेट कंपोजिशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट एलिमेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और या इसको कंपाउंड को आप क्या लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेट मतलब जो भी कंपोजिशन होगा एलिमेंट का, वेट को मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। बोलो, हालांकि बहुत आसान है, तो आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझा देता हूं। कैलकुलेट वेट, देखो हाँ एक बात और, ये जो होता है ना, ये जो परसेंटेज होता है इसको हम वेट परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3% पढ़ने, एक वेट परसेंट होता है, एक मोल परसेंट होता है और एक होता है वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली है वो क्या है, वेट को आप वेट से डिवाइड करो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तो कैलकुलेट हम क्या लिख देते हैं, परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। तो कुछ नहीं है, कैल्शियम का वेट परसेंट निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए, कैल्शियम का वेट कितना होता है 40 और CaCO3 का वेट कितना है 100 × 100, तो दैट्स नथिंग बट 40%। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है 100 और कैल्शियम का वेट कितना है 40 है, तो 40/100। तो वैसे ही परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12/100।
100 इंटू 100 तो 10 नथिंग बट 12%। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो 100 टोटल है, 4 प्लस माइनस 52 मतलब कितना हो जाएगा 48%। तो हम ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। तो देखो मोलर मास C2H6 का कितना होता है 30, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा आपका मोलर मास 30 है, टोटल कार्बन का वेट कितना है 24 है, 12 प्लस 2 24 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना चला जाएगा, ये 8 और ये 10, दिस इज कैंसिल, तो ये 80% हो जाएगा। तो वैसे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 टोटल है, 80% कार्बन है, तो ये कितना बचेगा 20%। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा, ठीक है, बाकी चीजें कल नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आई होप सर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, कल पर हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।